हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वजह है, ठीक। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं जो है हर एक तरीके से देखने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। सो आई होप आप सब मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ ये रीडिंग जो है शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को फटाफट स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच आपके आपका जो रिलेशन है, मतलब कि आपकी जो ये कह सकते हैं ना, जैसे कि आपके पर्सन है आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्या है। तो ये हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको पता ही है, ठीक। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स। चलिए देखते हैं। और चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है बाय द बुक का कार्ड है। चलो ठीक है, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, देखो रिलेशनशिप में क्या है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज हैं, या फिर आप दोनों के बीच में रिलीजन प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। आप दोनों का बहुत ज़्यादा कुछ कल्चर एकदम से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आपके घर वालों का ऐसा मानना है, मतलब कि आपके घर वाले या फिर आपके पर्सन के घर वाले, कि नहीं हम जैसे हैं, हम जिस कास्ट के हैं उसी से अपने लड़के की या लड़की की शादी करेंगे, हम किसी अदर कास्ट में शादी नहीं करेंगे, हम किसी और को जो है किसी और को देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहानेबाजी भी हो रही है, और यही रीज़न बताया जा रहा है कि नहीं आपका कास्ट अलग है, हमारा कास्ट अलग है, तो हम दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्लियरली नज़र आ रही है आपके पर्सन के और आपके बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी है आप दोनों के कार्ड्स में। तो आपसे आपके पर्सन बात नहीं करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो कास्ट को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली जो क्रिएट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और जिसकी वजह से आप भी परेशान हो चुके हो और आपके पर्सन भी परेशान हो चुके हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आई है जो कि कास्ट और धर्म से रिलेटेड है। चलो अलग अलग देखते हैं कार्ड्स। इनका कार्ड है नंबर टू का कार्ड है 21। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा था कि 21 है। सो ऑर्फिन का कार्ड है नंबर 5। ओके, नंबर 8 कम्युनिटी, नंबर 32 हेयर एंड नाउ, एंड टू द सी नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी है क्लियरली बता रही है, आपके जो कार्ड्स हैं क्लियरली बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, देखो आपके जो पर्सन है सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा जो है अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अनबैलेंस्ड है ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को छोड़ करके अपनी फैमिली के अगेंस्ट जो है ये पर्सन नहीं जा सकते हैं, ठीक। और आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि अपनी खुशियों के साथ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, ठीक। यहाँ की एनर्जी ये बता रही है मुझे, और यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना, जैसे कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी स्टक से हो गए हैं, ठीक, काफ़ी ज़्यादा परेशान से हो गए हैं, यहाँ की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है, ठीक। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी जो कह सकते हैं ना कि
काफी परेशान है, ठीक, आपसे काफी ज्यादा अटैच भी है, आपसे काफी ज्यादा ये पर्सन परेशान भी है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, यहाँ ऑर्फेन का कार्ड, एकदम से डीपली एक होता है ना जैसे कि होपलेस हो जाना, आप दोनों का चूंकि कनेक्शन अब नहीं बन सकता है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसीलिए ये पर्सन जो है ना काफी ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, काफी ज्यादा होपलेस हो चुके हैं। और ये पर्सन जो है ना यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे जो कार्ड्स है क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन का दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन चाहते हैं कि सारी चीजें धीरे 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 करके जो है ना मैं बैलेंस कर लूं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं रिलेशनशिप को जो है सही कर लूंगा। ये पर्सन सोच रहे हैं, इनकी थिंकिंग मुझे दिख रही है कि हाँ इनकी हो रही है ऐसी थिंकिंग। यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके पर्सन किसी ना किसी की हेल्प भी लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन में खड़े हैं, जिस सिचुएशन में ये पर्सन खड़े हैं, उस सिचुएशन में ये पर्सन क्या डिसीजन ले, क्या ना ले, क्या करे क्या ना करे, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं इनका जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो अप्स एंड डाउन जो है ना यहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है, टू द सी का कार्ड, देखो आपके पर्सन जो है यहाँ पे पास्ट को भूल करके, ठीक है, अपनी निराशा को छोड़ करके, अपनी कंफ्यूजन को छोड़ करके, इनको लग रहा है, देखो ये होपलेस तो हो चुके हैं, 100% दिख रहा है कि ये होपलेस हो चुके हैं, कि आपके साथ शायद इनका रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, इसलिए ये पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्राई करने के बाद, इतना ज़्यादा कुछ करने के बाद फिर भी अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिले तो पर्सन क्या करें, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन काफी ज्यादा होपलेस हो चुके हैं और इस पर्सन को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि हाँ ये रिलेशनशिप बन सकता है या नहीं। हालांकि बैलेंस लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। चलो फ्यूचर को लेकर के हम कार्ड्स तो देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल अभी जो है मैं टैरो से चेक करूंगी कि हाँ आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ कॉइंस। The chariot, very nice. The devil, four of coins. So थोड़ा सा मुझे साइड करना होगा सारे कार्ड्स को, क्योंकि कार्ड्स हमारे हैं और निकलने वाले। तो चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। द हर्मिट, नाइट ऑफ कॉइंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द एम्परर, बहुत ईगो वाले पर्सन है आपके तो, बहुत ज्यादा। आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं और बहुत ईगो में रहते हैं ये पर्सन हमेशा ही आपके साथ, या जिसके साथ भी रहते हो, ठीक है, आपके साथ ही नहीं, अगर इनका जो है ना किसी के साथ फ्रेंडशिप भी है ना, तो उसके साथ बड़ा ईगो दिखाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनको जस्टिस ऐसे करना पसंद है, ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं आपके पर्सन, बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का कुछ इस तरीके का एनर्जी है कि हाँ आपके पर्सन काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर इनको सफलता नहीं मिल रही है आपसे जो है बातें करना या फिर आपसे ज़्यादा कनेक्ट होना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है,
और काफी ज्यादा सोचने के बाद ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मतलब कि इतना ज्यादा ट्राई करने के बाद भी अगर आपको सक्सेस हासिल ना हो तो आपके अंदर निगेटिविटी आ ही जाती है। वैसे ही इस पर्सन के अंदर भी है कि इतना ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी, इतना ज्यादा कुछ करने के बाद भी, ठीक है, आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे क्या ना करे, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं कहीं कहीं हद तक एकदम से जो है परेशान हो चुका हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या डिसीजन लूँ, है ना। तो यहाँ पे ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं और आप हैं, ठीक, आप जो है इनके इन और आउट करने से परेशान रहते हो हमेशा ही। तो इनके इन और आउट करने से जो है ना इतना ज्यादा जो परेशानी आती है आपके ऊपर, ठीक है, आपके पर्सन को भी समझ आती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये पर्सन भी काफी ज्यादा उदास है, काफी ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा स्थिति इनकी जो है ना वो परेशानी वाली नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में मुझे दिखता है जैसे कि एज गैप भी है आप दोनों का, और आप दोनों के बीच में काफी एक होता है ना जैसे कि मैच्योर पर्सन, कोई एक पर्सन मैच्योर है, कोई एक पर्सन, दोनों नहीं, कोई एक पर्सन मैच्योर है। और यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ऊपर निगेटिविटी है, और ये जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अपने आप को ये पर्सन प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को प्रोटेक्शन देना जरूरी है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो है ना मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि खुद को जो है ना जैसे कि रिस्क लेना है ना, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और ये अपनी फैमिली को तो खो नहीं सकते किसी भी हालत में। ये पर्सन अपनी फैमिली को नहीं खो सकते हैं, अपनी फैमिली के तो पूरा एकदम से जो है ना एक जो कहते हैं ना कि बहुत ही खूबसूरत सा जो याद है जो बात है ना, तो वो करना चाहते हैं आपकी फैमिली, आपके ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन सबकी राजी से शादी करना चाहते हैं, विदाउट किसी के राजी हुए ये पर्सन शादी नहीं करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपसे या फिर किसी से भी, ठीक है। ये पर्सन का ऐसा मानना है कि अगर फैमिली मान जाए ना तो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद से नजर आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही खूबसूरत सी कहते हैं ना कि एनर्जी रखे हुए, ये पर्सन काफी ज्यादा जैसे कि नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ आने के लिए तो बेचैन है। मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन आना चाहते हैं और काफी ज्यादा पैशनेट है, आपसे बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक। यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक नई शुरुआत जो है ना इस पर्सन को करना है। खैर वो समय नहीं आ रहा है कि ये पर्सन नई शुरुआत करे, बट ये पर्सन को अगर जब भी समय मिले ये पर्सन जल्दी ही से एक नई शुरुआत जरूर करेंगे। यहाँ की एनर्जी मुझे फिलहाल यही बता रही है, यही दिखा रही है कि आपके पर्सन जो है आपके तरफ बढ़ने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर के थोड़ा बहुत जो है, पहले अगर सीरियस नहीं थे तो अब ये पर्सन थोड़ा बहुत सीरियस भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। सो ऐसा है, चलो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और क्या है आपके पर्सन के कार्ड्स जो कि हम देख रहे हैं। चलो बहुत ज्यादा कार्ड्स हो जाते हैं कभी कभी। फ्यूचर देख लेते हैं, आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, पर्सन बात करना चाहते हैं या नहीं, बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, बात तो करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, किसी और के बहकावे में है ये। एकदम से बातें होंगी आप दोनों की, क्लियर है कि बातें होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है ना बातें होंगी, और यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल, एकदम से आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बातें भी होंगी, और यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा जो है ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, दिल से दिल तक का एक नाता है, तो इनकी कन्फ्यूजन दूर होगी आपको लेकर के। ये जो पर्सन काफी ज्यादा कन्फ्यूज रहे हैं आपको लेकर के, तो इनकी कन्फ्यूजन काफी ज्यादा दूर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो है ना
यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं काफी एक स्ट्रांग से फीलिंग रखते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है। और ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना इमोशनली अब जो है आपसे कनेक्ट होंगे, अब जो है आपके साथ फ्यूचर बनाएंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे 8 days 8 weeks 8 month में, ये जल्दी से जल्दी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सो ये रही आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।